धनबाद रेल मंडल के तुपका डी में एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। कहा जा रहा है कि स्टील प्लांट से इस्पात लेकर मालगाड़ी बहादुरगढ़ जा रही थी। इस दौरान तुपका डी रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद वंदे भारत समेत कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशन पर रुकी रहीं। रेल दुर्घटना तुपका डी रेलवे स्टेशन के उत्तरी केबिन के पास हुई है। इस हादसे में मालगाड़ी के दो डिब्बे पलट गए और बाकी वैगन का संपर्क इंजन से कट गया। इस दुर्घटना के कारण बोकारो रेलखंड पर अप डाउन दोनों ही लाइन बाधित हो गई थी। इस हादसे के कारण करीब 5 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। धनबाद रेल मंडल के बोकारो गोमो रेलखंड इस हादसे के कारण प्रभावित हुआ और वाराणसी वंदे भारत सहित कई गाड़ियां रांची से बोकारो और बोकारो से धनबाद के बीच अलग अलग स्टेशन पर रुकी रही। हादसे के कारण कई ट्रेनों का रूट भी डायवर्ट किया गया। बल्लभगढ़ का स्टील लोड था जो तुपकादी स्टेशन पर आकर खड़ा हुआ था। जब वहाँ से हमने उसको उठाया आगे तो आपका पॉइंट पर गाड़ी आधी निकल गई थी और आधी गाड़ी आपकी जो है आधी निकलने के बाद जो बाकी 9 डब्बे हमारे पीछे रह गए थे उनमें से 2 डब्बे जो है हमारे 2 वैगन आपके पॉइंट पर डरेल हो गए। हाँ, कोचिंग ऑपरेशन हमारे बाधित हैं अभी जो हैं, लेकिन होपफुली हम लोग अभी आधा पौना घंटे के अंदर रिस्टोर कर देंगे सर। वंदे भारत भी आपकी जो है हमने कंट्रोल की हुई है पीछे जो है, और यहाँ पर हम 45 मिनट के अंदर जो है आपका आधा घंटा पौने घंटे के अंदर जो है सारे कोचिंग ऑपरेशंस रिस्टोर कर देंगे। ये हमारी लाइन जो है डाउन लाइन जो है बाई डायरेक्शनल लाइन है आपकी, तो यहाँ से हम कोचिंग ऑपरेशन कोचिंग ट्रेन को ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो मूवमेंट और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र बोकारो से जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र, धनबाद रेल मंडल के तुपका डी में ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन कहा जा रहा है कि स्टील प्लांट से इस्पात लेकर मालगाड़ी बहादुरगढ़ जा रही थी और इसी दौरान वहां पर स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। क्या कुछ अभी फिलहाल स्थिति है? जो ट्रेनें अलग अलग जगह रुक गई थी, रेलवे लाइन में सारे लाइन प्रभावित हुए, सब जगह स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई थी, अभी क्या स्थिति है? आगे क्या कुछ अभी अपडेट आ रहा है फिलहाल? देखिए, जिस तरह से एआरएम विनीत कुमार का कहना है कि कुछ ट्रेनों को रिशेड्यूल की गई है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन है, रांची इंटरसिटी है और हटिया पूर्णिया एक्सप्रेस है। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कल रात में यह हादसा हुआ है, 2 मालगाड़ी की पटरियां डिरेल हो चुकी है, उनके कारण रास्ते ही वहां रेलवे के कर्मी लगे हुए, अधिकारी पदाधिकारी सभी लगे हुए हैं। अभी भी जिस तरह से बताया जा रहा है कि 1 घंटे परिचालन में समय लगेगा, 1 लाइन को ठीक करके किसी तरह से गाड़ियों को भेजने का काम किया जाएगी। हालांकि कई गाड़ियों को रात में दूसरी पटरी से उनको भेजा गया, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि 1 घंटे में यह जो 3 ट्रेन है, रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस, वंदे भारत और हटिया पूर्णिया एक्सप्रेस को 1 घंटे के अंदर अंदर रेल लाइन ठीक होने के बाद इसका परिचालन शुरू किया जाएगी। हालांकि इस घटना के बाद यहाँ जो रेल में सवार लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि काफी समय से यह लोग इंतजार कर रहे हैं। जी, तो कब तक जो है चीजें पहले जैसी हो जाएंगी और लाइन जो है क्लियर हो जाएगा? देखिए, एआरएम विनीत कुमार का कहना है कि 1 घंटे में लाइन ठीक हो जाएगा और परिचालन सुचारू रूप से चल जाएगा, लेकिन जिस तरह से लाइन में लोग काम कर रहे हैं, समय बढ़ भी सकता है। और अगर 1 घंटे के समय उन्होंने बताया है और 1 घंटे के अंदर ये सभी लाइनें को दुरुस्त कर लिया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। जी, चलिए सुरेंद्र, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां और अपडेट देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।